हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी के बारे में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इजलास तलब कर लिया है। इस इजलास में कारकर्दगी रिपोर्ट और तकरीब की तारीख को हतमी शक्ल दी जाएगी। तफसीलात जानेंगे लियाकत अली से। लियाकत आगाह कीजिए। आज बिल्कुल वफाक की तरफ पंजाब ने भी अपनी 3 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी करने का फैसला किया है। इस संबंध में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने आज आला सतह का इजलास तलब कर लिया, जिसमें सूबाई वज़ीर खज़ाना हाशिम जवाबस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट के सरदार, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन और दीगर मुतलका हुकाम शरीक होंगे। बुनियादी तौर पर इसी इजलास में जो है वो हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट को हतमी शक्ल दी जाएगी और इस हवाले से जो तकरीब है उसकी तारीख का तयन किया जाएगा और उसके लिए इंतजाम का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि हम जो है वो आवाम के सामने अपनी कारकर्दगी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हमने कभी नुमाइशी काम नहीं किया, बल्कि हमारा विजन जो है वो पूरे पंजाब की तरक्की है। हम रोशन और खुशहाल पाकिस्तान देने के लिए जो है वो कोशिश है। उन्होंने कहा कि तनकीद ब्राय तनकीद करने वाले होश के नाखल ने इल्जाम की सियासत कभी की है न करेंगे। वज़ीर आला का कहना है कि तरक्की के मसावी मौके फराहम करने के लिए हम कोशिश हैं और जिस तरह हर वो काम कर रहे हैं जिसका बराह रास्त फायदा आवाम को पहुंचे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।